बातें रखी हुई, उसको देखने की इजाजत नहीं मिली है। रिश्तेदार परेशान है, लोग उनके गायब है घरों से, वो देखना चाहते हैं कि भाई हमारा तो कोई इसमें नहीं है, लेकिन इजाज़त नहीं मिल रही है। जख्मी पड़े हुए हैं लोग, हाथ पैर टूटे हुए उनके और जख्मी गोलियाँ लगी हुई उनकी, उसको देखने की इजाज़त नहीं मिल रही है। तो ये हालात यहाँ के भी ठीक नहीं है, यहाँ के अस्पताल के और उसमें भी यहाँ पर भी जो है वो रवैया सही नहीं है। क्योंकि भाई अब किसी का भाई अगर जख्मी है तो उसको ये देखना है कि भाई सही इलाज हो रहा है, क्योंकि किसी को खून की ज़रूरत है तो रिश्तेदार के हाजिर है, हम लोग सब हाजिर, उसको खून दिया जाए। कुछ पता नहीं चल रहा है कि किसको कौन कितना बीमार है, कौन कितना जख्मी है, कौन कितना जिसको मदद की ज़रूरत है। इसी तरह से तीन तीन दिन से लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं कि दिखा दिया जाए कि भाई उनका रिश्तेदार गायब है, उसकी मैयत तो नहीं है, लेकिन उसको इजाज़त। आपने अस्पताल प्रशासन से मिले हैं, क्या कुछ जी अस्पताल प्रशासन से बात हुई आपकी? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है प्रशासन, लेकिन कोर्ट से ऑर्डर है, कोर्ट से ऑर्डर है कि जो है वो इस सिलसिले में मिलने की, लोगों को मिलने की और देखने की इजाज़त दी जाए। तो मगर ये कोई यहाँ पर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई साथ नहीं। पूरी घटना को आप किस तरीके से देखते? पूरी घटना जो है पॉलिटिकल है, इसको करवाया गया है, पूरा करवाया गया है, तो पॉलिटिकल है ये। और इसमें पहले से प्री प्लान है, क्योंकि हमने देखा कि ट्रालियों के ऊपर जो है पत्थर लदे हुए जा रहे हैं, उसके साथ साथ दगाइयों के साथ साथ, तो क्या पुलिस अंधी है, उसको नहीं दिखाई दिया कि ट्राली के ऊपर पत्थर जा रहा है, कौन जा रहा है, बहुत जमा हो गया वहाँ पर। एक आदमी को टारगेट बना लिया, और इन्हें कोई ताहिर से साहब, पूरी दुनिया में दंगा जो हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, अमेरिका में दंगा उसी की वजह से हो रहा है, रूस में उसी की वजह से दंगा हो रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती। और जबकि पुलिस जो है वो बाद में कुछ नहीं कर सकती, जितने चाहे पत्थर वहाँ जमा करते हैं, जो भी चाहे वापस जा कर रख दें, तो लिहाजा वो कोई सबूत नहीं है। एक आदमी पूरे शहर में दंगा नहीं फैला सकता, 250 दुकानों को एक आदमी नहीं जला सकता, 250 दुकानें जली हैं। लिहाजा ये पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ है, और ये जो है वो सेकुलर लोगों को सजा देने के लिए काम हुआ है। और इसमें जो है वो कोशिश ये हो रही है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है उसको दबा दिया जाए, उसको खत्म करवा दिया जाए। इसीलिए आप देखें फरोजी वाले को हटा दिया गया प्रोटेस्ट को, सफरबा से हटा दिया गया प्रोटेस्ट को जो वहाँ पर पीसफुल हो रहा था। तो इस दंगे के जरिए से ये चाहते हैं कि ये पीसफुल जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको खत्म किया जाए। तो हम तो समझते हैं कि इसमें जो है वो गवर्नमेंट को समझदारी से काम लेना चाहिए, और आप अगर कहीं पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप समझे कि उनका दुख क्या है, उनका दर्द क्या है, उनसे बातचीत करें। बाई फोर्स अगर कोई काम हुआ तो उससे कोई डिसीजन नहीं।